वहाँ से यहाँ आने के लिए सिर्फ 15 स्टेप लगते हैं, और मुझे लगे 15 साल वहाँ से यहाँ तक आने के लिए अवार्ड लेने के लिए। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मनीष पॉल ने कहा। मनीष पॉल जो सब लोगों को हंसाते हैं, होस्ट करते हैं, एंकर है, उन्होंने भी एक सपना देखा था। वो जब रेडियो जॉकी थे, उन्होंने ये सोचा था कि ये जो हीरो लोग रहते हैं ना, जो एक्टर लोग, वो लोग जो इंटरव्यू देते हैं, यार मैं वहाँ पर कब पहुँचूँगा, मैं कब लोगों को इंटरव्यू दूँगा, मैं एंकर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर आइए, आपको अवार्ड मिला है, आप क्या बोलना चाहते हैं, यार मैं वहाँ पर कब पहुँचूँगा। और फाइनली ऊपर वाले ने मनीष पॉल की तरफ देखा और उनका सपना पूरा हुआ। तो वो जो मैंने कहा ना, 15 स्टेप का फासला है, 15 साल लगे वहाँ एंकरिंग करने से यहाँ तक आने के लिए। देखिए आप ये वीडियो। कसम से बता रहा हूँ, यहाँ से वहाँ तक का फासला ना 15 स्टेप का है, साला मुझे 15 साल लगे। ये वीडियो मैंने इसलिए बताया, दुनिया में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें काफ़ी टाइम लगता है सक्सेस तक पहुँचने के लिए। और वो जो टाइम रहता है ना, जब आपको कामयाबी नहीं मिली होती है, वो मोमेंट रहता है ना, हर दिन इंसान का दिल रोता है कि यार मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या करूँ। और सिर्फ वो मेहनत करता है, सिर्फ वो चीज़ नहीं होती है, मेहनत करते वक्त वो जो नाकामयाब हो रहा है ना, तो घर वाले, दूसरे दोस्त, वो सब का है ना, कभी कभी बात करने का तरीका अच्छा रहता है, बट वो बात के अंदर है ना वो चीज़ें रहती है जो टच कर जाती है। मनीष पॉल सबको हंसाते हैं, सबको हंसाते हैं, पर देखो उन्होंने भी क्या क्या सपने देखे, उनके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर सब चीज़ें थी कि नहीं यार मुझे करना है, और आखिर उन्होंने करके बताया। उन्होंने और एक चीज़ बताई, लोग कहते थे अरे इसे क्यों मूवी में ले रहा है यार, ये तो होस्ट है। तो लोगों ने उन्हें नीचे करने की कोशिश की। तो इससे भी हमें सीखने मिलता है कि दुनिया में अगर लोग आपको नीचे भी खींचते हैं, वो है, वो सब देखता है, वो सब देखता है, वो सब देखता है, वो आपकी मेहनत देखता है। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, अगर कोई काम नहीं हो रहा है, टेंशन नहीं लेने का, वो देख रहा है, दुनिया उसने बनाई, दुनिया उसने बनाई है, उसने ही हमें नीचे भेजा है। तो जब उसने हमें नीचे भेजा है, तो उसने हमारे बारे में लिखा तो होगा ना कि बस ऐसे ही नीचे फेंक दिया। लिखता है वो सब्र, थोड़ा सब्र, पता है आपने बहुत टाइम से सब्र किया होगा, और सब्र करो और मेहनत करो, एक दिन आएगा। मनीष पॉल सर का कैसे उन्होंने कहा कि 15 स्टेप लगे बट 15 साल के बाद मुझे अवार्ड मिला, वैसे आपको भी कामयाबी मिलेगी। और ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं विश्वास से बोल रहा हूँ कि हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है उसे कामयाबी मिलती है, वो देखता है, वो मेहनत देखता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीना, कोशिश करना पीने की, दिन में आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करना, वॉकिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और हेल्थ अगर अच्छी रहती है तो हम दुनिया के अंदर सब चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हैं, हम खुश रहते हैं, हमारी फैमिली खुश रहती है। मेहनत करते जाना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना, कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उससे कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।